हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एवरेज टॉपिक पढ़ रहे थे और एवरेज की हमारी 3 क्लास हो चुकी है। तो आज की क्लास में हम अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप पीछे वाली क्लास को अच्छे से देख के आना। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो आज की क्लास में एवरेज के जो भी टॉपिक हमने पढ़े थे उसकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में वो स्लाइड के ऊपर आपको मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको सारे के सारे क्वेश्चन सबसे पहले सोल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद में सॉल्यूशन तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, वीडियो को देखिए और पढ़िए एक बार। देखो, द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट इन 9 ईयर्स, इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज इंक्लूडेड, देन द एवरेज एज बिकम्स 10 ईयर। द एज ऑफ टीचर्स इज, हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो कक्षा की औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है, तो अध्यापक की उम्र कितनी है? तो एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए सोल्व करते हैं। देखो, चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना है। कक्षा होगी, मान लो कोई भी क्लास होगी, उस क्लास के अंदर टोटल 30 स्टूडेंट थे। ध्यान से समझने की कोशिश करना है, क्लास होगी उस क्लास के अंदर टोटल कितने विद्यार्थी थे? टोटल उस क्लास के अंदर 30 विद्यार्थी, और 30 विद्यार्थियों का एवरेज आपके पास गिवन था। एक क्लास के अंदर 30 विद्यार्थियों का एवरेज आपके पास 9 साल गिवन है। अब एवरेज का मतलब आप आसानी से समझते हो कि 30 विद्यार्थियों का एवरेज आपके पास 9 साल गिवन है। इसका मतलब यही होगा, प्रत्येक विद्यार्थी की जो एज है ना, वो 9 साल चली होगी, तभी तो एवरेज 2 बना होगा ना। एवरेज का आसान सा मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, सभी को बराबर बराबर बांट देना, ही तो एवरेज कहलाएगा ना। तो 30 विद्यार्थियों का एवरेज आपके पास 9 साल गिवन है, इसका मतलब प्रत्येक विद्यार्थी की उम्र 9 साल बनाई गई होगी। यदि एक विद्यार्थी की उम्र 9 साल है, दो विद्यार्थी की उम्र कितनी बनेगी? 18 बनेगी। तीन की कितनी बनेगी? 27 बनेगी। लेकिन आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 30 स्टूडेंट आपके पास गिवन है और 9 साल की एवरेज एज है, तो टोटल 30 विद्यार्थियों की उम्र का सम आप कितना बता दोगे? 270 साल बता दोगे। 30 विद्यार्थी आपके पास है और 30 विद्यार्थियों की एवरेज एज 9 साल है, तो एक विद्यार्थी को भी आपने 9 साल बनाने की कोशिश की गई होगी ना, और सभी को आपने 9 बनाया होगा, सभी को आपने 9 बना दिया और टोटल आपके पास 30 विद्यार्थी, तो सभी विद्यार्थियों की उम्र का सम आप कितना बढ़ पाओगे? 270 साल ही तो बताओगे ना। अब अगली कंडीशन में क्या बोला गया था, यदि अध्यापक की उम्र को भी इंक्लूड कर ले, यदि उनका कोई टीचर होगा उस टीचर की भी एज को इंक्लूड कर दे, तो टोटल वहां पे जो मेंबर हैं वो कितने बन जाएंगे? 31 बनेंगे। समझने की कोशिश करना चीजों को, 30 स्टूडेंट थे, टीचर को इंक्लूड कर लिया, टोटल इंसान वहां पे कितने बने? 31 बनेंगे। लेकिन जैसे ही आप टीचर की उम्र को इंक्लूड करते हो, आपका एवरेज कितना बन गया? एवरेज बढ़ गया। एवरेज आपका क्या हो गया? बढ़ के 10 हो गया। इसका मतलब सभी की उम्र अब 10-10 बनी होगी, सभी की उम्र अब 10-10 बनी होगी। इसका मतलब यही तो हुआ होगा ना कि टीचर को जैसे ही आप शामिल करते हो, एक उनका एवरेज इंक्रीज हो गया, तो 10 साल उनकी नई एवरेज बनी होगी। 31 विद्यार्थी हैं, 10 साल सभी को बनाया होगा, तो टोटल उम्र का सम कितना बना होगा? टोटल उम्र का सम बना होगा 310 साल बना होगा। बिल्कुल ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझ जाओगे आप। देखो, जब 30 विद्यार्थियों की उम्र का जोड़ 270 साल था, जैसे ही आपने टीचर की उम्र को इंक्लूड कर दिया, तो उम्र का जो भी आपकी उम्र का सम है वो कितना बन गया? 370 बन गया। अब पूछा क्या गया था कि टीचर की उम्र बता दो कितनी है। अब टोटल विद्यार्थी और स्टूडेंट की उम्र में से यदि आप विद्यार्थियों की उम्र को माइनस करोगे तो कौन मिलेगा? टीचर की उम्र की तो आपको मिलेगी ना, तो जो भी टीचर की उम्र होगी आप बता दोगे। टोटल 31 का 310, 31 में से 30 स्टूडेंट को आप माइनस कर दोगे जिनका सम था एज का 270, तो माइनस करने के बाद आपको टीचर की उम्र कितनी मिल जाएगी? 40 साल मिल जाएगी। सभी को आता है ये वाला क्वेश्चन। 310 जो भी एज का सम बना था, वो टीचर की उम्र को
इंक्लूड करने के बाद बना था। यदि आप सभी स्टूडेंट को माइनस कर दोगे तो जो भी उम्र निकल गया वो किसकी होगी? टीचर की ही तो बनेगी ना। तो फाइनल जवाब कितना हो जाएगा? 40 इयर्स हो जाएगा। ऑप्शन डी के ऊपर टिक कर लियो। ठीक है, समझ आ गया होगा। सॉल्यूशन देखो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बिल्कुल ये आंसर है। ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल आपको लगाना है नहीं। काफी सारी अप्रोच होती है सोल्व करने की, आप इसी अप्रोच को समझो। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश करो। देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन आपके पास गिवन है, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 50, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट्स इज 49 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 इज 52 देन 6 नंबर इज। देखो जरा, आपके पास टोटल 11 नंबर्स गिवन है, उन 11 नंबर्स का एवरेज आपके पास टोटल 50 है, 50 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत आपके पास 49 है एंड अंतिम 6 संख्याओं का औसत आपके पास 52 है, तो छठी संख्या ज्ञात करो। देखो, इसको भी समझने की काफी सारी अप्रोच होती है, एक बार ही बनाने की कोशिश किया करो किसी भी क्वेश्चन को। देखो, आपके पास टोटल 11 नंबर चल रहे हैं। 11 नंबर चलने का मतलब ये होता है, मान लो आपके पास टोटल एबीसी से लेके K तक आपके पास टोटल नंबर चल रहे होंगे। मान लो आपके पास A से लेके K तक टोटल 11 नंबर होंगे। अब इन 11 नंबरों का आपके पास, मान लो कोई भी 11 नंबर होंगे, हमने अज्यूम कर लिया A से लेके K तक आपके पास टोटल 11 नंबर है, A से लेके टोटल आपके पास K तक 11 नंबर है, और इन 11 नंबर का सम, 11 नंबर का एवरेज आपके पास कितना गिवन था? 50 गिवन था। अब 11 नंबर का एवरेज यदि आपके पास 50 गिवन है, तो आप ये तो पता लगा ही पाओगे ना कि 11 नंबर का सम कितना होगा, क्योंकि सम बराबर क्या होता है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर आपको समझाया था कि एवरेज इक्वल होता है, औसत बराबर होता है, सभी संख्याओं का सम होता है, और सभी संख्याओं का सम करके जो भी टोटल आपके पास नंबर है उनका डिवाइड कर दो। तो आसान से आपने समझा होगा, सभी संख्याओं का योग अपॉन टोटल नंबर, सभी संख्या। यही तो पढ़ा होगा ना फर्स्ट क्लास में आपने एवरेज। अगर प्रीवियस क्लास आपने अच्छे से पढ़ी है तो एवरेज औसत बराबर क्या होता है? जो भी आपके पास टोटल नंबर होंगे उनका सम करके और जितने भी आपके पास नंबर हैं उनका डिवाइड करोगे तभी तो आपका एवरेज मिलेगा। लेकिन आपके पास मान लो 3 वेरिएबल चलेंगे, एवरेज होता है, योग होता है और संख्या होता है, इन 3 में से कोई भी 2 गिवन होगा और तीसरा नंबर आपसे पूछेगा। अगर आपको एवरेज निकालना पड़े, योग होना चाहिए और संख्याएं होनी चाहिए। यदि आपको योग निकालना पड़े तो एवरेज होना चाहिए और टोटल आपके पास नंबर्स भी 2 होने चाहिए ना। तो सभी संख्याओं का यदि आपको योग कैलकुलेट करना पड़े, जरा चीजों को समझने की कोशिश करना, सभी संख्याओं का यदि आपको योग कैलकुलेट करना पड़े, क्रॉस इंटू करवा दो, औसत का इंटू करवा दो आप संख्याओं से। जब भी आपको योग निकालना पड़े तो जो भी आपका एवरेज है उसका जितने भी आपके पास टर्म चले उनसे इंटू करवा दोगे तभी तो आपको योग मिलेगा ना। तो इसी का यूज कर लेते थे कोई बार। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया था, फिर भी किसी ने ना देखा तो यहां से एक बार समझ लेगा। देखो, टोटल आपके पास 11 नंबर गिवन है और 11 नंबर का आपके पास एवरेज कितना था? 55 था। 11 नंबर का एवरेज आपके पास, सॉरी 50 था, 11 नंबर का आपके पास एवरेज यदि 50 है, टोटल नंबर कितने हैं? 11 है, टोटल आपके पास एवरेज कितना है? 50 है। जब आप एवरेज का इंटू संख्याओं से करवाओगे आपको क्या मिलेगा? समी तो मिलेगा ना, 550 बन गया। तो जब भी आप 11 संख्याओं को ऐड करोगे तो उन 11 संख्याओं का सम जोड़ कितना बन के आएगा? 550 बनेगा। अगली कंडीशन समझो, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है। प्रथम 6 संख्याओं का मतलब होता है ए से लेके एफ तक आपको काम करना पड़ेगा। प्रथम 6 संख्याओं का जो भी सम बनता है वो 49, इसका मतलब टोटल टर्म कितने आपके पास? 6 है, और इन सभी का एवरेज आपके पास 49 गिवन है, तो इन 6 टर्म का आप सम कितना बता दोगे? 50 से इंटू करवा लो, फिर माइनस 6 कर दियो, 50 से करवाओगे 300 माइनस 6 कितना होता है? 294 होता है।
चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। 6 ड्रम का एवरेज आपके पास 49, इसका आसान सा मतलब होता है सभी 6 नंबर को 49 बनाने की कोशिश की गई होगी, तो 6 नंबर का सम कितना बता दोगे, 294 बता दोगे ना। अगली कंडीशन समझो, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। अंतिम 6 संख्याओं का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब आपका एफ कितनी बार काउंट हो चुका, 2 बार काउंट हो चुका। आपका एफ जो नंबर है वो कितनी बार काउंट हुआ होगा, 2 बार काउंट हुआ होगा। ये वाले जो आपके 6 नंबर है ना, इनका एवरेज कितना बना था, 52 बना था। 6 संख्याओं का एवरेज आपके पास 52 गिवन है, तो 6 संख्याओं का सम कितना बता दोगे, 12 बना 30 और ये कितना होगा 31, 302 बता दो, 312 बता दोगे। 6 × 2 = 12, 30 और ये कितना होता है, 31 होता है। अब आपके पास शुरू की 6 संख्याओं का सम तो 294 है और लास्ट की 6 संख्याओं का सम कितना है, 312 है। यदि आप इन दोनों को ही इंक्लूड कर दो तो आप मुझे ये बता दो, सारे के सारे समझदार हो, ये 6 नंबर पहले वाले में भी प्लस हो चुका और 6 नंबर लास्ट वाले नंबर में भी तो प्लस हो चुका, तो 6 नंबर आपका कितनी बार प्लस हुआ होगा, 2 बार प्लस हुआ होगा। अब 6 नंबर यदि 2 बार प्लस हुआ होगा तो टोटल आपके पास 12 नंबर ही तो बने होंगे ना, और 12 नंबर में से कौन सा नंबर 2 बार प्लस हो चुका, 6 नंबर 2 बार प्लस हो चुका, तो 12 नंबर का आपका सम कितना बनेगा, 12 नंबर का आपका सम बनेगा 606। अब 12 नंबर के सम में से आप 11 नंबर का सम माइनस करोगे तो आपका कौन सा नंबर बचेगा, जो 2 बार काउंट हुआ था 6 नंबर, वही तो आपको मिलेगा ना, 50 बचेगा और 656 मिलेगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए छठा नंबर कौन सा होगा तो आपका फाइनल जवाब कौन सा होगा, 56 होगा, इसका भी जो आंसर होगा ऑप्शन डी पे टिक कर देना। समझो एक बार, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही था आपका, स्क्रीनशॉट ले लो, समझने की कोशिश करना, अगर फिर भी थोड़ा सा कम समझ में आया हो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लियो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो जरा एक बार, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है। आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 इज 15 एंड द लास्ट 3 इज 16, इफ द लास्ट नंबर इज 19 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। देखो समझने की कोशिश करना, आपके पास टोटल 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का एवरेज कितना गिवन था, 15 गिवन है। तीन संख्याओं का एवरेज आपके पास 15 गिवन है और अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज आपके पास 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या बता दो, देखो करो एक बार इसे बनाने की कोशिश, तो क्या करो सबसे पहले खुद सोल्व करने की कोशिश किया करो, उसके बाद में सॉल्यूशन चेक किया करो। देखो समझो एक बार, आपके पास टोटल 4 नंबर गिवन है, 4 नंबर आप अज्यूम कर लो, मान लो ABCD होगा, कोई भी नंबर अज्यूम कर लो अपने हिसाब से, क्वेश्चन बनना चाहिए बना लो। देखो जरा आपके पास टोटल 4 नंबर गिवन है, ABCD गिवन है, इनमें कंडीशन क्या थी कि पहली 3 संख्याओं का एवरेज, पहली 3 संख्याओं के एवरेज का मतलब ए बी और सी की बात कर रहा हूं, पहली 3 संख्याओं का एवरेज आपके पास कितना गिवन था, 15 गिवन है, इसका मतलब आपके पास एवरेज 3 नंबर का गिवन है, टोटल संख्या में 3 है और टोटल एवरेज आपके पास 15 है, एवरेज आपके पास 15 है और टोटल टर्म कितने आपके पास 3 है, तो आप क्या निकालोगे, सम निकालोगे, तो पहले 3 नंबर का आप सम कितना बता दोगे, 45 बता दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। अगली कंडीशन क्या थी, अगली कंडीशन आपके पास गिवन थी अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज 16 है, लास्ट 3 नंबर कौन कौन से बनेंगे, लास्ट 3 नंबर आपके पास बनेंगे बी सी और डी बनेगा, तो बी सी और डी का एवरेज आपके पास कितना गिवन है, बी प्लस में सी प्लस में डी, इन तीनों का एवरेज आपके पास कितना गिवन है, 16 आपके पास एवरेज गिवन है और टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, टोटल नंबर आपके पास 3 है, तो आप इन तीनों ही नंबर्स का सम कितना बता दोगे, 48 बता पाओगे ना, समझ पा रहे हो, ध्यान लगा के समझने की कोशिश करना, पहले 3 का सम तो आपने 45 बताया था और लास्ट 3 का, लास्ट 3 का मतलब बी और सी दोबारा काउंट होगा,
लास्ट थ्री का सम आपने 48 बताया था। अब कंडीशन क्या थी वो भी जानो। यदि लास्ट नंबर आपका 19 है, लास्ट नंबर का मतलब डी की वैल्यू आपके पास गिवन है, और डी की वैल्यू यदि आपके पास 19 है तो डी की जगह कर दो 90 वुड। डी की जगह यदि आपने 90 वुड कर दिया तो बी और सी कितना बता दोगे? 90 प्लस का राइट में जाके माइनस होगा। 49 माइनस 90 करोगे 80 माइनस 9 9 होता है, 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है। बी और सी का सम आप कितना बता पाओगे? 29 ही तो बढ़ पाओगे ना। पूछा क्या गया था कि पहला नंबर बता दो। अब पहला नंबर बताने का मतलब यही होता है पहली तीन संख्याओं का जोड़ आपके पास 45 गिवन है, और पहला नंबर बताने का मतलब ए की वैल्यू ही तो आपसे पूछना चाहता है वो। अब ए की वैल्यू निकालने का तो खुद ही रहा होगा। तीन नंबर का, पहले तीन नंबर का सम आपके पास 49 गिवन है, और पहला नंबर यदि आपको निकालना पड़े तो कौन से नंबर को यहां से हटाना पड़ेगा? बी और सी को हटाना पड़ेगा। अब बी और सी को हटाना पड़ेगा, इसका मतलब बी और सी की वैल्यू भी कितनी गिवन है? 29 गिवन है, तो ए की वैल्यू कितनी बताओगे? 45 माइनस 29 कर दो, 15 6 बचेगा, 16 आ जाएगा आपका फाइनल जवाब। समझ पा रहे हो? ऑप्शन सी मैच करेगा आपका। देखो काम हो गया, आप इसको बिल्कुल आसान से अप्रोच। पहला नंबर बताने का मतलब आपने पहला नंबर ए अज्यूम किया होगा, और फोर्थ नंबर आपके पास गिवन था, फोर्थ नंबर आपने कौन सा अज्यूम किया था? डी अज्यूम किया था, डी की वैल्यू गिवन थी, बी और सी की आपने निकाल ली यहां से, और ए की वैल्यू आप जल्दी से बता ही दोगे, तो ए की वैल्यू कितनी बता दोगे? 16 बता दोगे। ऑप्शन सी मैच करेगा। समझो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 चला आपका, आपका रिक्वायर्ड आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल आसान आसान सी क्वेश्चन, थोड़ा सा ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा पढ़ लोगे ना इनको तो मेरे भाई सारे के सारे क्वेश्चन आप पिक कर पाओगे। ध्यान से पढ़ा करो। देखो समझो, अगला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास गिवन था, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 27 ईयर। ठीक है, व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न, ठीक है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड न्यू बोर्न बेबी इज 21 ईयर, द प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड। क्वेश्चन क्या था? एक परिवार के अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों की उम्र का एवरेज आपके पास गिवन था। था का मतलब वो पास्ट की बात कर रहे हैं। कितना था? 27 आपके पास गिवन है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो तीन इंसान बन गए परिवार के अंदर, पति पत्नी और बच्चा तीन इंसान बन गए, और उनकी वर्तमान एज कितनी बन जाती है? 21 ईयर बन जाती है। तो बच्चे की उम्र बता दो। देखो ये बिल्कुल आसान लेवल का है। कंडीशन क्या थी आपके पास? एक परिवार के अंदर पति और पत्नी की उम्र का आपके पास क्या था? एवरेज गिवन था। शॉर्ट में दिखते हैं, हस्बैंड प्लस में वाइफ, इन दोनों का आपके पास एवरेज एज कितना गिवन था? इन दोनों का आपके पास एवरेज एज गिवन था 27 ईयर। इन दोनों की उम्र का जो औसत था ना वो 27 साल था। अब दोनों की उम्र का औसत यदि 27 साल है, संख्या में कितने हैं? टोटल टर्म आपके पास 2 है, तो आप इन दोनों की उम्र का सम भी तो बता पाओगे ना। देखो एज का जिक्र आपको काफी बार बता चुका, यदि इन दोनों की आपकी एवरेज गिवन है, इसका मतलब ये होगा इन दोनों को ही 27 बनाने की कोशिश की होगी। ये भी आपका 20 बनाया होगा और इसको भी 20 बनाया होगा, तभी तो एवरेज निकाला होगा ना। एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। 27 एवरेज है, टोटल संख्या में 2 है, तो इन दोनों की उम्र का आप सम कितना बता दोगे? 54 बताओ। ये नहीं पता कितने साल पहले का है, वो हम अंदाजा लगाएंगे। दोनों की जो उम्र का सम था वो 54 ईयर था, लेकिन कंडीशन क्या थी? बच्चे का जन्म होने के बाद उनकी जो उम्र का जो एवरेज है 21 बन गया। 21 बन गया, इसका मतलब तीन इंसान बन गए ना फैमिली के अंदर, हस्बैंड प्लस में वाइफ प्लस में बच्चा चल रहा होगा। समझने की कोशिश करना, बी से रिप्रेजेंट करना। अब तीन इंसानों की आपकी जो एवरेज है वो कितनी बन जाती है? 21 बन जाती है। एवरेज आपके पास 21 गिवन है, और इन तीन संख्या में कितने आपके पास? 3 है,
तो इन तीनों ही आयु का आप कितना बता दोगे? 63 ईयर बता दोगे, 63 साल बता दोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चीजों को ध्यान से समझो मेरे भाई। एक बारी हस्बैंड प्लस वाइफ, इन दोनों की उम्र का सम 54 था, हस्बैंड वाइफ और बॉय इन तीनों की उम्र का सम कितना बन गया? 63 बन गया। अब जो भी इनके अंदर प्लस हुआ होगा वो किसकी वजह से हुआ होगा? बच्चे की वजह से हुआ होगा। लेकिन आपको ये थोड़ा पता है, आपको ये थोड़ा पता कितने साल पहले इनकी आयु का सम 54 था। इसका मतलब तीनों ही तो इक्वल बढ़ के आए होंगे ना। इस बात को आप कैसे समझोगे? मान लो एक इंसान तो आपके पास ए है और दूसरा इंसान आपके पास बी है, एक इंसान आपके पास ए है और दूसरा इंसान आपके पास बी है। ए की उम्र मान लो 20 साल है और बी की उम्र मान लो 30 साल है। अगर मैं पूछना चाहूं इन दोनों की आयु का सम आपके पास कितना गिवन है? 50 साल। समझ लो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ए और बी दोनों की आयु का जो सम है वो 50 साल होगा किसी ना किसी टाइम पे। मान लो कि 10 साल पहले, मान लो बिफोर 10 ईयर। अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब ये होता है 20 साल यदि ए की उम्र, इसको प्रेजेंट में लेके आना पड़ेगा, कितने साल प्लस करना पड़ेगा? ऑब्वियस बात है 10 साल प्लस करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में ए कितने का होगा? 30 का बनेगा। प्रेजेंट में बी कितने का बनेगा? ए भी 10 साल बढ़ेगा, 40 का बनेगा। अब इन दोनों की आयु का सम कितना बना? 70 बना। 10 साल पहले दोनों की आयु का सम आपके पास 50 साल गिवन था, प्रेजेंट में उन दोनों की उम्र का सम कितना बन गया? 70 साल बन गया। 70 साल बनने का मतलब क्या होता है? यदि इंसान वहां पे एक होगा तो वो अकेला ही 10 साल बढ़ेगा, यदि इंसान वहां पे दो होंगे तो 10-10 आपको दो बार प्लस करना पड़ेगा, यदि तीन इंसान होंगे तो 10-10 को कितनी बार प्लस करना पड़ेगा? तीन बार ही तो प्लस करना पड़ेगा ना। तो 54 उम्र मान लो पहले कभी होगी, आज वर्तमान में उन तीनों की उम्र का जोड़ कितना बन गया? 63 साल बन गया। इसका मतलब सीधा सीधा आपको नजर आ रहा होगा 6 और दिन कितना होता है? 9 साल बढ़ के आए होंगे। अब 9 साल बढ़ के आने का मतलब क्या होता है? सभी तो आपके इक्वल इक्वल ही तो बढ़ के आए होंगे ना। तो 9 को आप कितने हिस्सों में डिवाइड कर दोगे? तीन तीन के हिस्से में डिवाइड कर दो। 3 साल हस्बैंड बढ़ा होगा, 3 साल वाइफ बढ़ी होगी। बच्चा उस टाइम पता नहीं कितने साल का था, लेकिन आज कितने साल का बन गया? 3 साल का बन गया। अगर पूछा जाए वर्तमान में बच्चा कितने साल का है, तो आपको फाइनल जवाब कितना हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा। आसान सा कॉन्सेप्ट, इसका यूज करके बना लोगे। आपको पता होना चाहिए यदि आपके पास पास्ट की एज गिवन और प्रेजेंट की बनानी पड़े, अगर दो इंसान हो दोनों इक्वल बढ़ेंगे, अगर तीन इंसान है तो तीनों ही आपके इक्वल बढ़ेंगे, ऐसा थोड़ा होगा। 10 प्रेजेंट की बात करें, ए तो आपका 10 साल बढ़ गया लेकिन बी आपका 30 का ही है, वो भी तो 10 साल बढ़ेगा ना मेरे भाई। ठीक है, तो समझो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आसान लेवल का था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चढ़ते हैं अभी। पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को, ये बिल्कुल आसान है। देखो सर क्वेश्चन नंबर 5 क्यों चलते हैं, इन ए फैमिली द एवरेज एज ऑफ ए फादर एंड मदर इज 35 ईयर। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड देयर ओनली सन इज 27 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ द सन। एक फैमिली के अंदर माता और पिता की जो उम्र थी ना वो 35 ईयर थी। ठीक है, उस परिवार के अंदर माता पिता और बच्चे की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है? 27 साल है। तो पूछा गया था बेटे की उम्र बता दो। अब इसमें बोझ का जिक्र ना हो के प्रेजेंट की बात कर रहा है। प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? किसी परिवार में पिता तथा माता की जो औसत उम्र है वो 35 साल है। 35 साल, ये नहीं बोला है कितने साल बाद की बात है, प्रेजेंट की बात कर रहा है वो। ठीक है, पिता माता तथा पुत्र की जो औसत आयु है वो 27 साल है, ये भी तो प्रेजेंट की बात कर रहा है वो। तो पुत्र की उम्र बता दो, ये तो बड़ा ही आसान है। फादर प्लस मदर की जो एज है ना, इनका एवरेज आपके पास कितना गिवन था? 35 ईयर गिवन है। 35 ईयर इन दोनों की एवरेज एज है, तो टोटल उम्र कितनी बता दोगे दोनों की? 70 ईयर बता पाओगे? अरे बता पाओगे ना, बिल्कुल ही उच्चे लेवल पे बना लोगे आप इसे। फादर और मदर की जो प्रेजेंट एज का जो सम है वो कितना बढ़ लिया आपने? 70 ईयर कैलकुलेट कर लिया। अगली कंडीशन में क्या था?
यदि तीनों की उम्र हम कैलकुलेट कर ले, फादर मदर प्लस में चाइल्ड, तीनों की बात कर ले, फादर मदर प्लस में चाइल्ड, तीनों की उम्र की बात, सन की बात कर ले, बेटे की बात कर ले, इन तीनों की जो उम्र है इनका एवरेज कितना बना था? 27 ईयर प्रेजेंट में बन गया. 27 ईयर यदि इनकी प्रेजेंट एज का एवरेज गिवन है, इंसान आपके पास तीन है, तो आप टोटल इन तीनों की उम्र कितनी बता दोगे? 81 बता दोगे. अब पूछा गया था बेटे की उम्र बता दो. अब बेटे की उम्र बताने का मतलब इन फादर मदर और सन इन तीनों की उम्र में से फादर और मदर को यहां से रिमूव कर दो, ये कौन बचेगा? सन ही तो बचेगा ना. तो सन की एज आप कितनी बढ़ पाओगे? 81 - 70 कितना बता दोगे? 11 ईयर बता. अब किसी का दिमाग काम कर रहा होगा कि 11 ईयर को तीन पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई, 11 ईयर को थ्री पार्ट में डिवाइड क्यों ना करना पड़ेगा? क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, जो 70 ईयर है ना वो थ्री का मतलब होता है पास्ट में कभी होगी, लेकिन 70 ईयर ही प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और ये जो एज है वो भी कब की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. तो एक में पास्ट की बात होगी तो प्रेजेंट का कुछ गिवन ना हो तो आपको चेक करना पड़ेगा. प्रेजेंट में तो तीनों सेम ही बड़े होंगे ना, लेकिन प्रेजेंट का ही 70 उम्र दोनों का है और प्रेजेंट का ही 81 ईयर तीनों का उम्र है, तो तीनों में से दो को माइनस करो, एक बच जाएगा, आपका जवाब कितना हो जाएगा? 11 ईयर हो जाएगा. यही आपका रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 5 तब का ही है, फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं. पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व किया करो, उसके बाद सॉल्यूशन चेक किया करो, थोड़ा बहुत खुद का दिमाग को लगाओ. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर काम करते हैं. देखो पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, उसको पढ़ो एक बार, फिर बनाने की कोशिश किया करो, वीडियो को पॉज करो तब तक और क्वेश्चन को बनाओ. देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं. द एवरेज एज ऑफ मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 68. द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 80 एंड द बॉयज इज 16. व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बॉयज इन द क्लास? समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आसान है वैसे तो, बिल्कुल एलिगेशन का यूज कर लो, एलिगेशन का यूज कर लो, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना. देखो एक क्लास थी, उस क्लास के अंदर बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, एक क्लास के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों हैं, लेकिन कंडीशन क्या थी, उस कक्षा के अंदर विद्यार्थियों का जो एवरेज है ना, टोटल जो भी स्टूडेंट है उनका एवरेज आपके पास 68 ईयर की बनता. अब आप जल्दी से रेशियो कैसे बना पाओगे? एलिगेशन का यूज करो, आसान बन जाएगा. गर्ल्स और बॉय वहां पे चल रहे थे, विद्यार्थियों का औसत एज 68 ईयर है, छात्राओं का जो औसत है वो 80 साल है, लड़कियों का जो भी औसत उम्र है वो 80 साल है. कर दो यहां पे कुछ एलिगेशन लगा दे यहां पे. तो लड़कों का जो औसत मार्क्स वो कितना है? 60 है, और विद्यार्थियों का 68 है, इसका मतलब क्या हो गया? टोटल बॉय और गर्ल दोनों का एवरेज कितना गिवन था? 68 गिवन था. इसको बीच में रख लो और एलिगेशन का यूज करके यहां से रेशियो फाइंड आउट कर लो. इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 12 का. इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 8 का चल रहा है. अब इन दोनों का यदि आप रेशियो कैलकुलेट करोगे, 4 से कट जाएगा, 2 टाइम्स कटेगा, और 4 से कितने टाइम्स कटेगा? 3 टाइम्स कटेगा. अब इसका मतलब क्या होता है, उस विद्यालय के अंदर यदि लड़कियां 3 यूनिट में होंगी ना, तो उस विद्यालय के अंदर लड़के कितने यूनिट में चलेंगे? उस विद्यालय के अंदर यदि लड़कियां 2 यूनिट के अंदर चलेंगी, तो उसी विद्यालय के अंदर लड़के कितने यूनिट में चलेंगे? 3 यूनिट में चलेंगे. तो आप ये तो कह ही पाओगे ना, टोटल विद्यार्थी उस विद्यालय के अंदर कितने यूनिट होंगे? 5 यूनिट होंगे. अब जिसका भी पूछे निकाल लो. क्या पूछा गया था? कक्षा में छात्रों का प्रतिशत बता दो, जो भी लड़के हैं ना उनका प्रतिशत बता. लड़के कितने हैं? बॉयज परसेंट बताना आपको. लड़के कितने हैं वहां पे? 3 हैं.
लड़कों का प्रतिशत बताना, किससे बताओगे? कुल से ही तो बताना पड़ेगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं वहां पे? 5 है। और परसेंटेज के लिए कितना लगा? 100 लगा। 20 टाइम्स कर जाएगा, 22 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 60% हो गया। उस विद्यालय के अंदर लड़के कितने परसेंट में हो जाएंगे? 60% में हो जाएंगे। तो कोई भी चीज 100% होती है, 60% यदि वहां पे लड़के होंगे तो लड़के कितने परसेंट होंगे वो भी निकालोगे आप। गर्ल्स का परसेंट पूछे आपसे, लड़कियां हैं कितनी? 2 है। कितने में से 2 है? टोटल 5 में से ही तो 2 है ना। और परसेंटेज के लिए कितना कर दो? इनटू कर दो 100 का, 22 जा 40 बनेगा। और चेक करो, चाहे 60% और 40% कितना होता है? 100% ही होता होगा। तो उस विद्यालय के अंदर लड़के यदि 60% के अंदर होंगे तो लड़कियां कितने परसेंट में होंगी? 40% में होंगे। अगर वो पूछे लड़कियां और लड़के कितने कितने के रेशियो के अंदर है, 2:3 के अंदर होगा। अगर लड़कियां 2 यूनिट में होंगी तो लड़के कितने यूनिट होंगे? 3 यूनिट। टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 5 यूनिट के अंदर होंगे। ठीक है, समझो। एलिगेशन का यूज करो, जल्दी से बना लिया करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन को एक बार समझो और नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो ये भी आपका सेम ही है। इन क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन एग्जामिनेशन इज 73 एंड दैट ऑफ द बॉयज इज 71। द एवरेज स्कोर ऑफ होल क्लास इज 68 है। अब देखो लड़कों का एवरेज आपके पास गिवन है और लड़कियों का गिवन है। लड़कों का एवरेज 71 है और लड़कियों का 73 है, और टोटल क्लास का कितना गिवन था? 71.8% था। तो बीच में 71.8% को लेके सॉल्व कर लोगे। देखो बनाते हैं इसको, देख पा रहे बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। एलिगेशन का यूज कर लिया करो, मोस्टली क्वेश्चन आपके एलिगेशन से बन जाते हैं, बहुत ही आसान सी अप्रोच होती है। लेकिन एलिगेशन आप एक बार पढ़ चुके होंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। देखो समझो, उस क्लास के अंदर क्या गिवन था? किसी क्लास के अंदर जो आपके पास गिवन था, छात्राओं का जो भी एवरेज है ना, छात्राओं का जो भी एवरेज है वो 73 है। तो छात्राओं का मतलब गर्ल्स ही होता होगा, 73 होगा। और उसी क्लास के अंदर जो बॉयज है उनका एवरेज आपके पास कितना गिवन था? 71 गिवन है। लेकिन होल क्लास का एवरेज आपके पास लड़कों और लड़कियों दोनों का मिला के एवरेज कितना है? 71.8 है। इसको बीच में पुट कर दो और यहां से एलिगेशन का यूज करके आप अपना जल्दी से आंसर भी कर लो। इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है? 0.8 का डिफरेंस है। इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है? इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है? बेहतर बनेगा 1.2 का डिफरेंशियल है, 0 डिफरेंशियल था। इन दोनों का रेशियो बना ले, पॉइंट से पॉइंट तब कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.2 चल रहा था, पॉइंट से पॉइंट तब कट ही जाएगा। अब कितने टाइम्स कटेगा? 4 से कटेगा, 4 2 8 होता है, 4 से कितने टाइम्स कटेगा? 3 टाइम्स कटेगा। तो यहां से जो रेशियो बन के आएगा ना, वो टोटल स्टूडेंट का बन के आएगा। अब टोटल स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? उस विद्यालय के अंदर लड़कियां 2 यूनिट में, तो लड़के कितने यूनिट में होंगे? 3 में। टोटल कितने होंगे? 5 में होंगे। इसी का यूज करके आप बना लो क्या पूछा गया था, छात्राओं का प्रतिशत, लड़कियों का परसेंटेज बता दो। लड़कियां कितनी है? 2 और टोटल 5 है, कितना बनेगा? 20-40% आएगा। आपका जवाब एक पे क्लिक कर लें, सेम ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो एक बार, बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन बन जाएगा। देखो एक क्रिकेटर है जी, मीन स्कोर, मीन का मतलब होता है एवरेज की बात कर रहा है वो, ऑफ 60 रन्स इन 10th इनिंग्स। वो 10 जो भी पारियां खेलता है ना उसमें टोटल कितने रन का एवरेज बनाता है? 60 रन का बनाता है। फाइंड आउट हाउ मेनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड इन द 11th इनिंग। तो 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए टू रेज द मीन स्कोर 262, ताकि उसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना बन सके? 62 बन चढ़े। अब देखो एक क्रिकेटर होगा, मान लो कोई भी बैट्समैन हुआ कोई ना कोई, अब उसकी कंडीशन क्या है कि वो 10 पारियां खेलता है तो उसका औसत रन कितना बन के आया था? 60 रन बन के आया था। 10 पारियों में उसका औसत रन 60 बन के आ गया, इसका मतलब यही तो हो गया ना
जैसे ही वो पहले 10 पारी खेल गया होगा उसका एवरेज रन 60-60 बना होगा। अब एवरेज रन 60-60 बनने का मतलब सभी पारियों में 60-60 कवर कर गया होगा ना, तभी तो एवरेज 60 बना होगा। एवरेज का मतलब बराबर कर देना सभी को। अब 10 पारियों का उसका औसत 60 रन था, इसका मतलब एक पारी में उसने 60-60 खेला होगा, तो टोटल 10 पारियों में उसने कुल कितने रन बनाए होंगे? 600 रन बनाए होंगे। औसत का मतलब होता है प्रत्येक पारी का इक्वल चले। तो आपको बताना क्या था कि 10 पारियों का उसका एवरेज 60 रन था, 10 पारियों का एवरेज यदि 60 रन है इसका मतलब टोटल रन 10 पारियों में कितने बनाए होंगे? 600 बनाए होंगे। 10 पारियों में कुल रन कितने बनाए होंगे? 600 बनाए होंगे। कंडीशन क्या थी? 11वीं पारी में उस व्यक्ति को कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत 62 बन जाए। 10 पारियां खेल चुका, एक पारी उसको और खेलनी, टोटल पारी कितनी बनेगी? 11 पारी बनेगी। तो 11 पारियों में उसका ताकि उसका औसत 62 बन जाए, इसका मतलब टोटल 11 पारियों में उसका औसत रन कितना बन जाए? 62 बन जाए। तो 11 पारी का औसत रन 62 बनने का मतलब यही होता है कि 11 पारियों में टोटल रन कितने बनाएगा? 22 2 66 और तो कितना होता है? 68 होता है। तो 10 पारियों में 600 रन बनाता है और 11 पारियों में उसे टोटल 682 रन बनने चाहिए, तो यहां पे उसने एक पारी ही तो खेली होगी ना, तो इस एक पारी में कितने रन उसने ज्यादा बनाए होंगे? 82 रन बनाए होंगे ज्यादा। अब 82 रन यदि एक पारी में ज्यादा बनाए होंगे तो एक को मैं किससे इंटू करवा दूं कि 82 बन जाए, और फिर 82 का करवाना पड़ेगा। तो अपने 11वीं पारी में 11th इनिंग में कितने रन स्कोर करने पड़ेंगे? 82 करने पड़ेंगे। आपका फाइनल सा जवाब हो जाएगा। समझे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 10 पारियों के अंदर उसका औसत रन 60 था, इसका मतलब सभी पारियों में 60-60 बना गया होगा, तो टोटल 10 पारियों में कितने रन खेल चुका होगा? 600 रन बना चुका होगा। लेकिन पूछा गया था कि अगली पारी वो खेलता है तो 11वीं पारी खेलेगा, तो 11वीं पारी में उसे टोटल रन का स्कोर कितना करना चाहिए ताकि उसका टोटल स्कोर, टोटल का मतलब 11 की 11 पारियों का स्कोर उसका कितना बन जाए? 62 बन जाए। अब 11 पारियों का स्कोर उसका 62 बन जाए, इसका मतलब टोटल 11 पारियों में कितने रन बनाने पड़ेंगे? 682 बनाने पड़ेंगे। 10 पारियों में 600 बनाए थे और टोटल 11 पारियों में उसने कितने बना दिए? 682 रन बना दिए। कितने रन उसने एक्स्ट्रा बनाए होंगे? ऑब्वियस बात है 82 रन एक्स्ट्रा बनाए होंगे। अब 82 रन उसके ज्यादा क्यों बने होंगे? पीछे पारी भी कौन सी खेली थी? एक पारी खेली थी, वो कौन सी पारी थी? 11वीं पारी। तो 11वीं पारी में उसका रन कितना बन गया? 82 बनाने पड़ेगा। ये आपका फाइनल सा जवाब हो जाएगा। सोचो, एक बार दिमाग लगाओ इसके ऊपर, वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन को एक बार नोट करो, समझो कैसे होता है ऐसे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 9, सेम सेम ही लग रहा है। क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार किया करो, उसके बाद सोल्व करो, और फिर ना बने तो सॉल्यूशन चेक करो। तब सचिन तेंदुलकर हैज ए क्रिकेट ए सर्टेन एवरेज, सचिन तेंदुलकर हैज ए सर्टेन एवरेज ऑफ 11th इनिंग, 11 पारियों में उसका औसत रन निश्चित रहा था कोई ना कोई, ठीक है। एंड 12th इनिंग्स ही स्कोर्स 120 रन, और 12वीं पारी में वो कितने रन बनाता है? 120 रन बनाता है, बिल्कुल ठीक है। एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 5 रन, जैसे ही वो 12वीं पारी में 120 रन बनाता है ना, उसका एवरेज रन कितना इंक्रीज हो गया? 5 रन बन गया, फट गया। हिज न्यू एवरेज इज, तो उसका नया औसत कितना बनेगा? समझो हिंदी मीडियम वाले, सचिन तेंदुलकर 11 पारियों का कुछ औसत होगा, इसका मतलब ये हो 11 पारी में उसने कोई ना कोई रन तो बनाए होंगे। 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, 11 पारी पहले खेल चुका होगा, और जैसे ही 12वीं पारी खेलता उसमें कितने रन बनाता है? 120 बनाता है, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया? 5 रन बढ़ गया। तो उसका नया औसत कितना? सेम वही क्वेश्चन है, इसमें आपके पास गिवन था कि 12वीं पारी में इतने बनाता है, लेकिन उसमें पूछा गया था कि 12वीं या फिर 11वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे, सेम ही कॉन्सेप्ट है। समझो, मान लो आपका एवरेज है ना, आपका जो भी एवरेज होगा वो थोड़ी देर के लिए, अब 11 पारियों तक सर्टेन बोला
आ गया, अज्यूम कर लो ए ही हो, कुछ भी मान लो वैसे तो। 12वीं पारी में 120 रन बनाता है तो 11 पारियों तक का उसका एवरेज रन मान लो कितना होगा, ए होगा। 11 पारियों तक उसका एवरेज रन ए होगा, इसका मतलब सभी पारी में ए ए रन बना के गया होगा, गया होगा ना, सभी पारियों में ए ए रन बना के गया होगा। पहले वो 11 पारी खेलता है तो उसका औसत रन यदि ए है, इसका मतलब ये हो गया कि पहली में ए बनाए होंगे, दूसरी में भी ए बने होंगे, तीसरी में भी ए बने होंगे, ऐसे करते करते 11 पारियों में कितने बने होंगे, एक पारी में ए बनता है तो 11 पारियों में कितने बने होंगे, 11 इंटू ए बना होगा, 11 गुना में ए ही तो बना होगा ना, तो 11 पारियों का उसका टोटल रन ये हो गया। लेकिन जैसे ही वो 12वीं पारी खेलता उसमें कितने रन बनाता है वो, 120। तो 11 पारियों के बाद में जैसे ही वो 12वीं पारी खेलेगा उस पारी के अंदर 120 रन बनाएगा वो, तो 11 पारियों के अंदर वो 11 ए रन बनाता है और 12वीं पारी में 120 रन बनाता है। तो ये वाले जो आपके टोटल रन है ना, कितनी पारियों के बन गए, 12 पारियों के बन गए, समझ पा रहे हो। उसका एवरेज हमने अज्यूम कर लिया, एवरेज रन ए होगा, तो एक पारी के अंदर उसने ए रन बनाए तो 11 पारियों में सर्टेन रन का मतलब टोटल रन कितने बनाए होंगे, 11 ए बनाए होंगे। 12वीं पारी में 120 रन बना दिए तो टोटल कितनी पारियों के रन बने होंगे, 12 पारियों के रन बने होंगे। लेकिन जैसे ही वो 120 रन बनाता है उसका औसत रन 5 बढ़ गया, पहले उसका औसत रन कितना था, ए था, अब उसका औसत रन 5 बढ़ गया। 5 बढ़ने का मतलब ए में कितना प्लस हुआ होगा, 5 प्लस हुआ होगा। अब उसका औसत रन ए इंटू ए प्लस में 5 बन गया, ये तो उसका औसत है, लेकिन पारी कितनी खेल चुका हो, 12 पारी खेल चुका ना। अब जब भी आप एक पारी के औसत रन की ना टोटल पारियों से करवाओगे आपको टोटल रन ही तो मिलेंगे ना, तो ये रन कितनी पारियों के बन गए, 12 पारियों के, और ये भी कितनी पारियों के रन है, 12 पारियों के, सेम ही तो रन है ना, 12 पारी भी यहां पे खेलता है और यहीं पे भी 12 पारी खेलता है, तो टोटल रन सेम ही तो चल रहे हैं। 12 पारी में मान लो 100 रन बने होंगे तो यहां पे भी 12 पारियों में कितने बने होंगे, 100 ही बने होंगे ना, तभी तो हमने इक्वल किया होगा। अब इक्वल करके यहां से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 11 ए प्लस 120 चलेगा, इक्वल चल रहा था, 12 का मतलब बताओगा इनटू दोनों से करवाना पड़ेगा, 12 ए बनेगा प्लस 12 5 जो 60 बनेगा। अब चीजों को गौर से समझने की कोशिश करना, 11 ए प्लस का राइट में जाके माइनस का बनेगा तो ए मिलेगा आपको, और जब का 60 है वो प्लस का लेफ्ट में लेके आओगे माइनस का ही तो बनेगा ना, तो 120 माइनस 60 कितना बनेगा, 60 बनेगा। तो ए की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट कर ली, 60 ही तो कैलकुलेट कर ली, और ए का मतलब क्या है, औसत रन की तो चल रहा था। अब औसत रन का मतलब ए उसका औसत रन कितनी पारियों तक चला था, 11 पारियों तक चला था, तो 11 पारियों तक उसका औसत रन कितना था, 60 था। लेकिन जैसे ही वो 120 रन 12वीं पारी में बनाएगा उसका औसत 5 बढ़ गया, तो नया औसत 5 बढ़ने के बाद ही तो बनेगा ना, तो उसका न्यू एवरेज आपसे पूछे, न्यू एवरेज में आपका जवाब कितना होगा, 60 प्लस में 5, फाइनल जवाब हो जाएगा 65 रन। ये बिल्कुल आसान से अप्रोच है, लगा लो सभी के ऊपर अप्लाई होगा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर पूछा जाए उसका पुराना औसत कितना था, आपका जवाब 60 होगा। अगर पूछा जाए उसका नया औसत कितना, उसका आपका जवाब कितना होगा, 65 होगा। अब और दिमाग आप इसके ऊपर क्या लगाओगे कि वो 12वीं पारी में कितने रन बनाता है, एक बार समझो इसे, नोट करो, एक बार ही नोट करो। देखो समझो, 12वीं पारी में वो 120 रन बनाता है तभी तो उसका एवरेज कितना बड़ा होगा, 5 बड़ा होगा। 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए होंगे तभी तो उसका एवरेज 5 बढ़ा होगा, और एवरेज 5 बढ़ने का मतलब कितनी पारी खेली होंगी, 12 पारी खेली होंगी तभी तो आपका एवरेज 5 बढ़ा होगा ना। देखो इसके ऊपर आसान से अप्रोच क्या लगाओगे आप, बिल्कुल एक झटके के अंदर आपको आंसर मिलेगा। देखो 12वीं पारी के अंदर उसने कितने रन बनाए थे, 12वीं पारी के अंदर उसने रन बनाए थे 120, लेकिन जैसे ही वो 120 रन बनाता है
उसका एवरेज कितना इंक्रीज हुआ था? 5 इंक्रीज हुआ था। इसका मतलब पहले उसका एवरेज कम था या ज्यादा था? कम होगा तभी तो बड़ा होगा ना 5। अब उसका एवरेज 5 रन ज्यादा हो गया, इसका मतलब 12 पारियों में सभी के पास 5-5 गया होगा, सभी पारियों के पास 5-5 रन गया होगा ना। एवरेज का मतलब होता है सभी को बराबर कर देना। अब 5 रन बढ़ने का मतलब जैसे ही 12वीं पारी खेलता है 5 रन बढ़ गया, तो एक पारी में 5 बढ़ा होगा, दूसरी में भी 5 बढ़ा होगा, ऐसे करते करते 12 पारियों में कितना बढ़ा होगा? 12 गुना में 5 60 रन बढ़ा होगा। उसने जैसे ही रन बनाए उसका रन है वो 60 रन बढ़ गया, इसका मतलब पहले उसके रन कम थे ज्यादा थे? वो भी इस बात है, पहले कम होंगे तभी तो बड़ा होगा ना। तो पहले उसका एवरेज रन कितना था? 120 माइनस 60 कितना जवाब होगा? 60 रन होगा औसत रन। तो पहले उसका औसत रन पूछे, आपका जवाब कितना होगा? 60। अगर पूछे अब उसका औसत कितना है, इसका मतलब नया एवरेज पूछे, अब नया एवरेज 5 बढ़ा था, इसका मतलब 60 के अंदर कितना प्लस कर दो? पहले वाले से ही तो 5 बढ़ा होगा, तो उसका नया एवरेज आप कितना पिक कर लो? 65 पिक कर लो। ये आसान आसान सी अप्रोच होती है, ये स्टेप के बन जाते हैं क्वेश्चन आपके पास क्रिकेटर वाले, तो बना लोगे आप। ठीक है, तो चीजों को समझने की कोशिश करना, सभी क्वेश्चनों को एक बार सोल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करो। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी करते नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।